सुबह देखना अश्विन ने जतेजा ने आपकी आंख तब तक खुलनी नहीं जब तक तीरा पांजा बांग्लादेश की विकेटों का हो जाना है। ये मैं आपको अभी प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, बुमराह का फाइबर नहीं होगा, अश्विन फाइबर कर जाएगा, जतेजा जादू चला जाएगा क्योंकि स्पिन विकेट की चेन्नई की 357 रन का अभी भी जो है टारगेट अचीव करना बाकी है बांग्लादेश के लिए, ठीक है। जबकि अभी बुमराह भी है बॉलिंग पे उनके साथ, जडेजा उनके साथ, सिराज उनके साथ, ठीक है, अश्विन उनके साथ। बात ये मैं कर रहा हूँ कि जब इतनी स्ट्रॉन्ग एक बॉलिंग लाइनअप है ना वहाँ पे, तो मैं कहता हूँ कि बड़े बड़ों का बीच में पेंट गिले होने वाला साहब हो जाता है, ठीक है। अब नो डाउट कि आप जब क्रिकेट में आ रहे हो प्रेशर है, लेकिन जो सामने वाली टीम के बॉलर है ना उनका सिर्फ नाम का भी प्रेशर आप पे है। बांग्लादेश पाकिस्तान को हराई गई है, इजी टीम नहीं है बांग्लादेश, इंडिया भी कोई इजी टीम नहीं है भैया, वो उसने हरा जाना आराम से। कल देख लेना आप, कल रन स्पिनर उनके अच्छे हैं, अश्विन है उनके पास, वो अपना काम कर जाएगा, जडेजा है उनके पास, वो भी अपना काम कर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, इंडिया ने बांग्लादेश को 515 का टारगेट दिया, पर बांग्लादेश को भी जीतने के लिए 357 रन चाहिए और इंडिया को 6 विकेट चाहिए, किनका कल पलड़ा भारी होगा? यार अभी के स्टैट के हिसाब से जो मुझे लग रहा है वो लग रहा है कि इंडिया डेफिनेटली है, उसको एक एज है। मुझे तो नहीं लगता कि बांग्लादेश जीत पाए क्योंकि इंडिया का अपना ही होम ग्राउंड है। बुमराह जैसा बॉलर हो, सिराज जैसा हो और कुलदीप जैसा चाइनामैन हो और बुमराह इतनी स्विंग करते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि बांग्लादेश जीत पाए। कल इंडिया जीत जाएगी आराम से। भाईजान सीधी साफ बात है, जैसे ही इनिंग्स डिक्लेयर कर दी थी रोहित शर्मा के, आपको उसी टाइम पता चल जाना चाहिए था कि भाई अगले दिन मौत वाकया होना ही होना है, क्योंकि देखें आते साथ ही पहली विकेट तो आपका बुमराह ले गया, अगली 3 विकेटें अश्विन ले गया। और आपको इतना नहीं पता, शायद आपको भी पता हो, पूरी मीडिया को पता होगा कि जहाँ पे स्टेडियम में मैच हो रहा है, चेन्नई में हो रहा है, चेन्नई की तो है ही स्पिन विकेट। सुबह देखना अश्विन ने जतेजा ने आपकी आंख तब तक खुलनी नहीं जब तक तीरा पांजा बांग्लादेश की विकेटों का हो जाना है। स्पिन विकेट के अंदर अगर का आपको मैं आप पूरी दुनिया कहते हैं ना बुमराह का जादू चलेगा नहीं चलेगा, ये मैं आपको अभी प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, बुमराह का फाइबर नहीं होगा, अश्विन फाइबर कर जाएगा, जतेजा जादू चला जाएगा क्योंकि स्पिन विकेट है जतेजा उसकी चेन्नई की। चेन्नई के अंदर हमेशा स्पिनर्स ही कामयाब हुए हैं और ये सुबह पता चल जाएगा बांग्लादेश को। ये बांग्लादेश वही थी ना जिसने पाकिस्तान के खिलाफ काफी स्लेजिंग की थी, रिजवान की तरफ से बॉल फेंका था, ये किया वो किया, शाकिब अल हसन, मुस्तफिक और रहीम, लटन दास कहाँ पे गए, कहाँ पे गए, ये कहाँ पे गए अब यार। जो टीम 14 साल से अपने होम ग्राउंड के अंदर कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी, टेस्ट मैच हारी हुई, यह सीरीज नहीं हारी, बिल्कुल आपको उम्मीद है कि वो हारेंगे अपने होम ग्राउंड के अंदर, वो भी WTC का मैच के अंदर। यार आप लोग जीरो घुमान में नहीं है कि इंडिया के दिमाग में चल क्या रहा है, मतलब इंडिया आपको फेवरेट नजर आ रहा है? हाँ अभी के अकॉर्डिंग, क्योंकि भाई उनका जो बॉलिंग अटैक सिस्टम जो चल रहा है वो बहुत पीक पे चल रहा है और उसका प्रेशर भी, ऊपर से टारगेट भी है, ऊपर से उन्होंने जो उनका जो है टॉप ऑर्डर वो भी जो खत्म कर दिया हुआ है। बिल्कुल, उनके पास इब्राहिम शंडो पड़ा हुआ है, शाकिब अल हसन पड़ा हुआ है, मेहदी से मिराज पड़ा हुआ है, 3 उनके की बैट्समैन हैं अभी, कुछ भी नहीं कर सकते सर। अगर देखा जाए तो टेक्निकली सिर्फ शाकिब अल हसन को मैं सबसे टॉप पे रेट करूंगा, उसकी विकेट गिरने की देर नीचे पूरी लाइन आएगी, आप देख लीजिएगा कल क्या लग रहा है कि लंच से पहले ही खत्म कर देगा इंडिया। 80% तो लग रहा है, 82% लग रहा है, लेकिन चाहो क्या पता टिक भी जाए क्योंकि देखिए इट्स ऑल अबाउट लक, क्रिकेट इज ऑल अबाउट लक। तो अगर शकीब अल हसन मेहदी हसन पार्टनरशिप बिल्ड भी, अब इधर जो है बांग्लादेश को सीरीज जीतने से ज्यादा जरूरी है, अगर वो हार भी रहे हैं ना तो उनको चाहिए एटलीस्ट कम मार्जिन से हारे, ठीक है, तो पार्टनरशिप टिका है, पार्टनरशिप पे तो करें ना, पार्टनरशिप पे उसके बाद देखिए किधर बात जाती है उनकी। हर बात पता क्या है, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं ना उनको बहुत बड़े एज हासिल हैं, एक तो उनकी होम ग्राउंड है, ठीक है, एक जो ऑडियंस स्पोर्ट होती है ना वो बहुत मैटर करती है किसी भी कंट्री के लिए। हाँ। स्पोर्ट्स में, ठीक है, अब उनके पास जो उनकी वो स्पोर्ट्स है ना वो इतनी उनकी ऑडियंस जो है क्रिकेट की फैन है ना, मैं कहता हूँ कि भाई आप उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसके अलावा ऋषभ पंत की मैं बात करना चाहूँगा, उसने कमबैक किया, ठीक है, एक पहले उसकी बंदी छोड़ गई उर्वशी रुटेला, ठीक है, देन उसके बाद जो है उसके एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद एक बहुत बड़ी उसके साथ इंजरियां जो चली हैं, उसके बाद उसने जो है कमबैक किया, अब वो कमबैक जो है उसने अपने आप को प्रूव करके दिखाया, उसने सेंचुरी स्कोर की है, ठीक है। और उसके अलावा मैं एक और प्लेयर का जिक्र करना चाहूंगा जिसका नाम है शुभन गिल, उसने अपने फादर के सामने, उसके फादर क्योंकि क्राउड में बैठे हुए थे तो उन्होंने उसके सामने जो है सेंचुरी स्कोर की है, उसने साबित करके दिखाया कि अगर वो एक दो मैच में नहीं ना चला तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो रह गया, उसकी जो है टीम, बात पता क्या आती है भाई, बात ये होती है कि आपकी टीम आपके साथ, मैनेजमेंट आपके साथ कितना आपको सपोर्ट करती है, ठीक है, उन्होंने अपने प्लेयर्स को बैक किया। अगर ये जैसे ऋषभ पंत को एक्सीडेंट इंजरी हुई थी, ठीक है, वो हमारे पाकिस्तानी किसी प्लेयर को हो जाती आप उसका कमबैक देख ही नहीं सकते थे, सारी जिंदगी नहीं होता, तो उसकी टीम ने मैनेजमेंट ने उनको चांस दिया कि नहीं आप आओ, आप डिप्रेशन में ना जाओ, आप आओ क्रिकेट की तरफ वापस हो, क्रिकेट जो है उनका बहुत इसमें पीक पकड़ चुका हुआ है। इंडिया के दिमाग में पता क्या चल रहा है, कोई बात नहीं, विराट कोहली आउट है, शुभमन गिल आज नीचे से आज सेंचुरी कर गया,
कोई बात नहीं, अगर शुभमन गिल भी आउट हो जाता है तो ऋषभ पंत आके कर गया। 650 दिनों के बाद ऋषभ पंत ने अपना कमबैक किया टेस्ट क्रिकेट के अंदर और आते साथ ही सेंचुरी मार गया। ये होती है मेंटेलिटी रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा को आप लोग क्रिटिसाइज कर रहे हो, 7 पे आउट होकर चला गया, 500 के ऊपर का टारगेट तो स्टेज पे चलाकर चला गया ना, दिमाग तो चलाकर गया ना, उसको पता कि भाई बुमराह से इतनी विकेट नहीं ली जानी, उसने अश्विन को चलवा दिया। यहाँ पे हमारे पास कब आएंगे अश्विन जैसे? अश्विन की ओडीआई सॉरी टेस्ट के अंदर रैंकिंग क्या है? नंबर वन पे। जडेजा की क्या है? नंबर टू है। पहले दो पे कौन है? इंडिया। रैंकिंग नंबर वन डब्ल्यूटीसी में कौन है? इंडिया। हर जगह से पहले नंबर वन पे इंडिया आ रही है। पाकिस्तान 8वें नंबर पे है, बांग्लादेश 4थे नंबर पे है। हमारे इतने ही बुरे दिन आ गए, हम लोग बांग्लादेश से हारने के बाद 8वें नंबर पे आ रहे हैं। तो उस वक्त से जब आपका मुकाबला पड़ जाना साउथ अफ्रीका के साथ और हम लोग ने यहाँ पे नाले पड़ रहे हैं, उस वक्त से जब यूएई की टेस्ट आ जानी है, जिम्बाब्वे की टीम आ जानी है, कीनिया की आ जानी है, यकीन ना माने मेरा जो दिल मानता है ना, पाकिस्तान का मुकाबला नहीं रहा इंडिया के साथ। पाकिस्तान का मुकाबला सीधी साफ बात है यूएसए के साथ है, वो भी बड़ा टफली, मैं बात कह रहा हूँ टफली, हमारा यूएसए के साथ भी मुकाबला नहीं है, युगांडा के साथ, अफगानिस्तान के साथ है, कीनिया के साथ है, अफगानिस्तान के साथ भी नहीं है। ओ भाई अफगानिस्तान ने क्या किया साउथ अफ्रीका का, देखा 2 ओडीआई लगातार मैच रहे हैं और हम लोग यहाँ पे बातें करते हैं यार वी विल बीट इंडिया। ओ यार नहीं बीट कर सकते भाई, 1970 की क्रिकेट और 2024 की क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। हम लोग अभी तक 1970 की मेंटेलिटी में चल रहे हैं। यहाँ पे हमारा बाबर आउट हो जाए, हम लोग गए वहां पे, उनका रोहित शर्मा विराट कोहली आउट हो जाता है, नीचे से आके अश्विन सेंचुरी कर जाता है। कल के दिन के अंदर आपको मैं इतना बता रहा हूँ, टी ब्रेक के पूरे आधे घंटे के बाद बांग्लादेश ने अपने घर जाने की तैयारी कर लेनी है। शुभमन गिल ने और ऋषभ पंत ने आगे सेंचुरी मार ली है। इवन क्या फर्क नजर आया आपको पाकिस्तान और इंडिया की बैटिंग लाइन के अंदर? हाँ जी देखें, इधर पाकिस्तान की तरफ से बाबर रिजवान होते हैं, अगर ये ना चलें तो कभी कभी दूसरे भी चल जाते हैं, इस तरह विराट और रोहित का भी, अगर वो ना चले दूसरे बाकी प्लेयर हैं, हिटर हैं उनके, मिडल ऑर्डर हैं अच्छे, इस तरह वो भी चल गया। ऋषभ पंत में बात की, ऋषभ पंत आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी इंजरी के बाद वापस आए, वो एक्सीडेंट हुआ था उसका, आते ही उन्होंने सेंचुरी मार दिया, इवन 650 डेज बाद अच्छा कमबैक किया हमने। ऐसा कमबैक कैसे कर पाए लाइक इतनी बड़ी इंजरी के बाद? उन्होंने बहुत मेहनत की हुई है इसमें, और इंजरी के बाद अच्छी मेहनत की है, कमबैक अच्छा किया है, और ये मेरा फेवरेट विकेट कीपर भी है ऋषभ पंत। हाँ जी, इस वजह से बांग्लादेश पाकिस्तान को हराई गई है, इजी टीम नहीं है बांग्लादेश। इंडिया भी कोई इजी टीम नहीं है भैया, वो उसने हराजा ना आराम से, कल देख लेना आप, कल रन स्पिनर उनके अच्छे हैं, अश्विन है उनके पास, वो अपना काम कर जाएगा, जडेजा है उनके पास, वो भी अपना काम कर जाएगा, बिल्कुल ये सारा काम हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। मतलब कि इंडिया आपको फेवरेट नजर आ रहा है? इंडिया जीतेगा वो कन्फर्म है, कन्फर्म। हाँ सर देख लेना, उनकी स्टार्ट अच्छी, बांग्लादेश की स्टार्टिंग अच्छी हुई थी, फिर भी वो मतलब के लास्ट दिन का लास्ट टाइम था, वो स्ट्रगल करके तो यही सूरत हाल है। वो देखे ना, इंडिया कोई 12 से 13 साल से अपनी होम ग्राउंड पे एक भी मैच नहीं हारी है, इसके पीछे क्या रीजन है? कैप्टेंसी है, मेहनत है, हार्डवर्क है, क्या नजर आ रहा है आपको इसके पीछे? बस कुछ पिचेस भी हैं, आप देख सकते हैं उनकी पिचेस, और पाकिस्तान की पिचेस भी आप देख सकते हैं, पाकिस्तान बिल्कुल फारिग पिचेस बनाता है, जो उनके खुद के लड़के नहीं उधर काम कर सकते। अच्छा। वो जो इंडिया है वो अपनी पिचेस अच्छी बना रहा है, और वो अपना मतलब एक भी सीरीज नहीं आ रहा, 22-23 साल तकरीबन हो गए हैं, एक भी सीरीज ऑस्ट्रेलिया आ जाए, इंग्लैंड आ जाए, किसी से भी नहीं आ रहा, वो किसी से नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। इसके पीछे वजह क्या नजर आ रही है आपको? इंडिया का इतना स्ट्रॉन्ग मुल्क बन गया, इंडिया एक डर जो है ना, डर वो बड़ी चीज होती है, ये सब टीमें इंडिया से मतलब वो बड़ी टीम है, ये कोहली आ गया उनकी टीम में, रोहित शर्मा आ गया, तो वो बड़े खिलाड़ी हैं, बस इसी वजह से ये सारा। बिल्कुल सर देखिए, इंडिया का जो ऋषभ पंत है विकेट कीपर, कितनी लंबी इंजरी के बाद वापस आया, इतने बड़े मेन एक्सीडेंट के बाद, आते ही आज उन्हें सेंचुरी मार दी, 625 दिन बाद आया था, तो लाइक बांग्लादेशी बोलो तो आज डरे हुए थे यार, उसको बॉल कहाँ फेंक रहा, छक्के मार रहा टेस्ट मैच के अंदर। हाँ वो इंजरी के बाद आया तो था, पर मतलब के अच्छा वो टच में अच्छा नजर आ रहा था, वो सही खेल गया, फिर भी सही खेल गया। हाँ तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आपको कौन सी दो टीमें नजर आ रही है? यही इंडिया और दूसरी ऑस्ट्रेलिया नजर आ रही है। और जीतेगा कौन? इंडिया 2 साल से हारता आ रहा है, 2 दफा हारा है फाइनल के, ज्यादा चांस इस बार इंडिया के। ठीक है सर, दूसरी तरफ बात करें बॉलिंग लाइन की, जसप्रीत बुमराह तो हमेशा के लिए अनप्लेएबल जा रहे हैं ना, और उसके अलावा जो रविचंद्र अश्विन ने आज बॉलिंग कर दी है ना, लाइक उसका बॉल तो इतना ज्यादा बाउंस हो रहा था जैसे कोई सर के ऊपर से बॉल गुजर रहा था कीपर के। सर बात पता क्या है, जो अश्विन है वो बहुत उनका एक्सपीरियंस बॉलर है, ठीक है, तो वो उसका एक्सपीरियंस जो है ना वो आप इस गेम में वो उसे ले रहे हैं, बट आप कह रहे हैं कि भाई अब तुमने अपने आप को प्रूव करके दिखाना है, और जो बुमराह है वर्ल्ड क्लास यार बॉलर है यार, वो T20 उठा लो, टेस्ट उठा लो, वनडे उठा लो, तो उससे अपनी बॉलिंग लाइनअप से प्रूव करके दिखाया कि वो किसी भी स्ट्रॉन्ग टीम की बैटिंग लाइनअप को बहुत आसानी से अकेला ब्रेक कर सकता है।
सर ये बांग्लादेश वही टीम है जो कि पाकिस्तान को अपनी होम ग्राउंड के ऊपर एक्सपोज करके गई थी और इंडिया के आगे ये बेबस हुई है, लाचार होके बैठी है। सर अगर पाकिस्तान ने कह लो कि वो पाकिस्तान वाइट वॉश हो गया है बांग्लादेश से, तो वो बांग्लादेश की क्रिकेट को मैं इतना क्रेडिट दूंगा, हमारे अपने अंदरूनी मसले बड़े हैं ठीक है हमारी टीम के भाई, उसने शोल्डर पे हाथ रख दिया, वो मसला कर लिया, किसी को कैप्टन बनना है इस टीम में, किसी ने टेस्ट नहीं डाला, हमारा कैप्टन शान मसूद है टेस्ट का ठीक है, वो बंदा जब तक रिव्यू नहीं लेगा वो अपना आउट नहीं मानता। आप खुद देखो वो भाई बात पता क्या है, जब आप टीम के साथ सिंसियर चलते हो ना, कोहली एक दो बार ऐसा भी हुआ वो आउट हुआ जबकि वो नॉट आउट था, एम्पायर ने आउट दिया, वो चला गया पवेलियन से, उसने रिव्यू नहीं लिया। हमारा कैप्टन क्या कर रहा है, जितनी बार उसने आउट होने रिव्यू लेने उसने पंगा उड़ाना शोर मचा देना। सर आप जब कैप्टन को ये फर्क नहीं ना पड़ा कि पीछे मुझे रिव्यू बचा के बाकी टीम को देखना है, जब पता होगा कि एक या दो रिव्यूज है मैं अपनी टीम के लिए बचा लूं, जब भाई आप क्रिकेट खेलते हो ना जब बॉल पैड को लगता है ना आपको पता चल जाता है कि बॉल पैड को लगे या आपके बैट को एज हुई है या नहीं हुई है, वो आप जो मोजे का इंतजार कर रहे हो कि भाई रिव्यू बदल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता भाई। अब वो मॉडर्न क्रिकेट आ गई है, आप एम्पायरों से निकल के आप वो कैमरे से 360 डिग्री के कैमरे लगे थे, वो हर चीज आपके ऑन द स्पॉट पता चल जाती है कि रिव्यू में आपका क्या है। सर जो हालात टीम इंडिया के लग रहे हैं मुझे नहीं लग रहा कि एशिया के अंदर कोई ऐसी टीम है जो कि इंडिया को उनकी होम ग्राउंड पे हरा पाए। कौन सी टीम आपको दुनिया में नजर आ रही है जो कि इंडिया को इनके घर घुस के हरा सकती है? यार ऑस्ट्रेलिया, मैं उसको क्रेडिट देना चाहूंगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मुझे मेरी नज़र में एक ऐसी टीम है, अगर इधर कोहली है तो उधर वार्नर है, इधर शर्मा है तो उनके उधर मार्श है, इधर बुमराह है तो उधर स्टार्क है ठीक है, तो मसलन के बराबरी है दोनों साइड पे। और ये जो मैंने नाम लिया ऑस्ट्रेलिया के भी कोई लल्लू पंजू प्लेयर नहीं, ये भी बहुत बड़े नाम है उनके ठीक है, तो ये मैं उनको देखता हूँ क्रेडिट देता हूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो एक ऐसी टीम है जो इंडिया को टक्कर दे सकती है और एक दो बार दे चुकी भी हुई है। 357 रन का अभी भी जो है टारगेट अचीव करना बाकी है बांग्लादेश के लिए ठीक है, जबकि अभी बुमराह भी है बॉलिंग पे उनके साथ, जडेजा उनके साथ, सिराज उनके साथ ठीक है, अश्विन उनके साथ। बात ये मैं कर रहा हूँ कि जब इतनी स्ट्रॉन्ग एक बॉलिंग लाइनअप है ना वहाँ पे, तो मैं कहता हूँ कि बड़े बड़ों का बीच में पेंट गिले होने वाला साहब हो जाता है ठीक है। अब नो डाउट कि आप जब क्रिकेट में आ रहे हो प्रेशर है, लेकिन जो सामने वाली टीम के बॉलर है ना उनका सिर्फ नाम का भी प्रेशर आप पे है, क्रिकेट का तो प्रेशर नाम का भी प्रेशर ये है बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो रन्स का पहाड़ आगे सामने खड़ा है तो उसके आगे जो है ना वो दो जिन खड़े हैं, एक तरफ सिराज खड़ा है और एक तरफ जो बुमराह खड़ा है, जब तक आप उसको क्रॉस नहीं करोगे आप वो पहाड़ अभी तक नहीं फेस कर पाओगे। तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन का प्रेशर था, हमारे जो जिन थे वो कहाँ पे गई? बांग्लादेश तो मजाक की तरह खेली थी पाकिस्तान के साथ। सर आप जो है बात ठीक कर रहे हैं कि मजाक की तरह खेली थी, लेकिन बात यह है कि सिर्फ बॉलर्स के बॉलिंग से कुछ नहीं होता जब तक पूरी टीम सपोर्ट ना करे। फॉर एग्जांपल आप और मैं मैच खेल रहे हैं, मैं आपको बोल कर रहा हूँ पीछे बंदा कैच ही ना फड़े क्या कर लेगा उधर बॉलर, क्या कर लेगा? सीधा बोल्ड करना तो नहीं ना काम है, कैच नाम की भी कोई चीज होती है। तो जब बाकी टीम की नौ की सपोर्ट नहीं ना होगी तो तब तक आप जो है नहीं सर्वाइव कर सकते उनके साथ, उनकी नौ की टीम सपोर्ट यार प्लेइंग 11 है भाई, वो उन्होंने साबित किया कि वो प्रॉपर प्लेइंग 11 है।